आर्थिक संकट की मार झेल रहे श्रीलंका में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद कुरुनागला में उनके पुश्तैनी घर में आग लगा दी गई। इसके बाद आवास के अंदर गोलीबारी भी की गई। भीड़ ने डीए राजपक्षे मेमोरियल को ध्वस्त कर दिया। यह महिंदा और गोटाबाया के पिता की स्मृति में मेदामुलाना में बना था। सत्ताधारी पार्टी के कई सांसदों और 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं। खबर है कि श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना के कुछ दफ्तरों को भी जलाया गया। श्रीलंका में राजनीतिक हिंसा में एक सांसद सहित 5 लोग मारे गए हैं और लगभग 200 लोग घायल हो गए हैं। महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद हिंसक झड़पों में एक सांसद को जान गंवानी पड़ी। खबर है कि श्रीलंकाई सांसद ने एक प्रदर्शनकारी को गोली मार दी और खुद अपनी जान ले ली। श्रीलंका पोदुजना पेरामुना के सांसद अमर कीर्ति अतुकोरला को सरकार विरोधी भीड़ ने नितंबुआ शहर में घेर लिया था। जब राजपक्षे के समर्थकों ने कोलंबो छोड़कर जाने की कोशिशें की तो उनकी गाड़ियों को जगह जगह निशाना बनाया गया। खबर ये भी है कि पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो को कार से ही झील में फेंका गया। पुलिस ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है लेकिन हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही।